वेलकम टू खन्ना न्यूज लाइव। जीएसटी मोबाइल विंग के अधिकारियों दीआं मनमानियां तो तंग आके खन्ना मंडी गोविंदगढ़ अते लुधियाणा दे व्यापारियों ने सोमवार तो उद्योग बंद करन दा अल्टीमेटम दिता है। इस संबंधी जानकारी दिंदिआं व्यापारियों ने दस्या के एक पासे पंजाब सरकार इनवेस्ट पंजाब तहत उद्योगपतियों नूं पंजाब विच सद रही है अते दूजे पासे सरकारी अधिकारी पंजाब दे व्यापारियों नूं तंग परेशान कर रहे हन। उन्हां दा कहना है कि जिहड़ा माल ई बिल जां ई इनवॉइस राहीं आउंदा है उत्थे दा विभाग तां इस नूं ठीक मानदा है पर इत्थे दा जीएसटी विंग इन्हां नूं तंग परेशान करदा है जिहड़ा कि गैर कानूनी है। इस दे खिलाफ सोमवार तों व्यापार बंद करन दा फैसला लिया गया है अते इसे दौरान एक बैठक मोहाली दे विभाग दे नाल रखी गई है। जेकर उस विच कोई भी फैसला ना लिया गया तां सोमवार तो हड़ताल जारी रहेगी। प्रधान जी, अज जिहड़ी मीटिंग सी किन्ना किन्ना दी मीटिंग हुई और की फैसला लिया? जिहड़ी अज साडी मीटिंग सी इहदे विच साडी स्क्रैप ट्रेडर एसोसिएशन लोकल मंडी गोविंदगढ़ ते फर्नर अलायंस इंडस्ट्री लुधियाणा और तीजी साडी स्टील ट्रेड फर्नर एसोसिएशन, साडे तिन्नां दी मिल के ज्वाइंट मीटिंग हुई है। मीटिंग दे विच असीं जिहड़े मेन मुद्दे साडे ओह रिगार्डिंग जीएसटी सीगे, जीएसटी दे रिगार्डिंग मुद्दे इह सीगे जिहड़ा जीएसटी डिपार्टमेंट है मोबाइल विंग आ बिना किसी परमिशन लैटर तो फर्शा से जा बढ़ता और जाके उत्थे ईवीएम वाली ई इनवॉइस वाली गड्डियां भी रोकता और उन्होंने नोट्स कट्टन के बजाय गड्डियां उत्ते पलंटियां ला ला के और उन्होंने सानू परेशान कर रहा है। इसे कड़ी के शनिवार को साड़ी एक इंडस्ट्री यूनिट के फर्नीचर इंडस्ट्री के एक ईटीओ साहब चले गए और उत्थे बिल वाली गड्डियां रोक के खड़ गए तो उस बंदे ने सिर्फ इन्ना ही किया कि थोड़े को परमिशन है कि मैं परमिशन दिखा दो क्योंकि मैं MSME के अंडर आता है, क्योंकि जो यूनिट MSME के अंडर आता है उस कोई भी ईटीओ या कोई भी जीएसटी डिपार्टमेंट का बंदा बिना परमिशन तो अंदर बिना परमिशन लैटर तो अंदर जा नहीं सकता। जब उस अफसर ने इन्नी गल कही तो इस गल उन्हें इन्ना इस गल का इशू बनाया, उन्हें फैक्ट्री के बाहर तीन जीपा लगा के आले दुआले दोनों पास लगा के फैक्ट्री बंद कराता। फैक्ट्री अज चार दिन की बंद पई है, 100 तो उपर बंदा उत्थे लेबर वाला वेला बैठा है, कोई डिपार्टमेंट जून नहीं रही गई। उपरों सानू यह कहा जा रहा है कि तुम अफसर ना मिसबिहेव किया, साढ़े को सारी रिकॉर्डिंग है, साढ़े को सब कुछ है, जिसे अफसर आया अंदर वह असं बड़े आराम नाल प्यार नाल गल की है, लेकिन उही अफसर बाहर जाके कह रहे अपने अफसरों को मेरे नाल मिसबिहेव करके मैंने बाहर कढ़ता है। कोई यह जी गल नहीं हुई हैगी। असं फिर डिपार्टमेंट यही गल कहना चाहते हैं कि जो ईवे बिल होकर आ गई गड्डी उन्होंने तुम्हें ना रोकया जाए क्योंकि वो सानू जीएसटी का प्रावधान भी है, जो कोई जीएसटी नंबर है वही ईवे बिल या ई इनवॉइस कढ़ सकता है। जिन्होंने जीएसटी नंबर तुम्हें लोड किया देख के लोड किया लोकल ट्रेडर बैठा उन्होंने जब तक जीएसटी नंबर ना लोड करो, अगर तुम्हें लगता है कि वह माल बोगस है या बिल बोगस है बंद कर दो नंबर तो नंबर कैंसल कर दिया जाए। दूसरी मेरी सरकार को यह गुजारिश है कि जिहड़ी स्क्रैप है देखो पंजाब दे विच रेट होनी नहीं स्क्रैप, स्क्रैप 5% पंजाब चों आउंदी है। फर्नर इंडस्ट्री उरे सारी एशिया तो सब तो वड्डी इंडस्ट्री उरे लोहे की है मंडी गोविंदगढ़ दे विच, ये सारी पंजाब सरकार नूं पता है, सारे स्टेटां नूं पता है कि सारा लोहे की इंडस्ट्री जिहड़ी है सब तो वड्डी मंडी गोविंदगढ़ दे विच है, लेकिन इहदी जिहड़ी अपने कहिंदे मटीरियल है जिहड़ा रॉ मटीरियल वो स्क्रैप है जिहड़ा कि उरे नहीं जनरेट हो रहा। ज़्यादा सरकार सानू उरे जनरेट कर दे, सानू उरे डंप बना दे अपने भी साडे इत्थे गवर्नमेंट इस्तेमाल खरीदो, सानू कोई भी एक्शन नहीं है, जो मर्जी रेट रखे से उस रेट नाल तो माल खरीदने तैयार है, पर वह तो इन्हां कोल है ही नहीं सिस्टम, उधर तो इन्हां ने जाना नहीं है। सानू स्क्रैप अपने आप जनरेट करनी पैंदी है, बाहरों मंगानी पैंदी है, बाहरों असीं पेमेंट कित्थे लाईए स्क्रैप, जिहड़ी फर्निश वाला 10-10, 20-20 करोड़ लाई बैठा है वो एडवांस स्क्रैप की पेमेंट देकर किवें मंगाए स्क्रैप उत्थों, वो लिए असं मिडल मैन साडे स्क्रैप ट्रेडर एसोसिएशन वाले हैं, स्क्रैप ट्रेडर्स ने जिहड़े बेचारे 100-200 रुपये टन से सिर्फ काम करते हैं, 1000-1000 किलोमीटर तो 1500-1500 किलोमीटर गड्डी आती है, 5-5 स्टेटा 7-7 स्टेटा वो लंघ के आती है, कि वो स्टेटा के जीएसटी डिपार्टमेंट वाले सुते पे ने, कि वो स्टेटा जो जीएसटी डिपार्टमेंट उत्ते है नहीं, कि वो चैक नहीं करते उन्होंने गड्डियों की, वो साड़ी गोविंदा लाके या पंजाब के अंदर एंटर कर दी गड्डी 2 नंबर की बन जाती है, जबकि वो इनवॉइस सब कुछ होया हुंदा, बाकी स्टेटा ने अंदर कुछ नहीं पता, कल्ला पंजाब गवर्नमेंट को पता, पंजाब गवर्नमेंट के सरकारी अफसरों को पता भी सरकार ने जी ई बिल निकल है जो डुप्लीकेट है पिछों, जब पिछला बिल कोई उन्होंने लगता है शक वाला तो उस स्टेट को भेजो, उस स्टेट का जिहड़ा जीएसटी इंचार्ज है जीएसटी कमिश्नर वो चैक करे अपना कि नंबर इशू किया। हुण साडा अगला स्टैप यही है कि जां तां जीएसटी डिपार्टमेंट यह चैकिंग बंद करे, असीं नहीं कहिंदे जिहदे कोल कागज पत्तर नहीं है गड्डी दे वो गड्डी जिथे मर्जी जो मर्जी पलट्टी लावे पलंटियां लावे जरवाडे लावे FIR करे फांसी लावे सानूं कोई दिक्कत नहीं, 2 नंबर वाली गड्डी असीं भी उहदी वकालत नहीं करांगे, पर जिहड़ी गड्डी दे नाल ई वे बिल निकलिया ई इनवॉइस निकलिया वा वो असीं खुल के कहने आ वो गड्डी असीं रिल लिजा दे रही ना, असीं रुकन दे रही आ ना असीं चेकिंग कर दे रही उहनां गड्डी, चाहे वो जीएसटी डिपार्टमेंट लोकल है चाहे वो मोबाइल विंग है। इस दे जब तक असीं सोमवार तो परमानेंट सवेरे 8 बजे तो सारी इंडस्ट्री फर्नीचर इंडस्ट्री और सारा ट्रेड स्क्रैप का कोई गड्डी स्क्रैप वाला नहीं होगा, कोई फर्नीचर इंडस्ट्री फर्नीचर चलूगी, सवेरे 8 बजे तो सोमवार को असीं बंद करन जा रहे हैं। उस तो पहला साडी 6 तरीक नूं मीटिंग है हायर काउंसल नाल मोहाली, अगर उत्थे साडा कोई मसला हल कर देने हो अगर सानू कोई शॉर्टी दिंदे इस गल विच तां असीं ते सोचा जाऊगा कि साडी परमानेंट पक्की है स्ट्राइक है और सवेरे सोमवार सवेरे 8 बजे तो साडी लागू होगी।
अज की मीटिंग का साडा जिहड़ा है मेन मुद्दा यही है कि असी डिपार्टमेंट तो बड़े दुखी होए हैं, खास करके पंजाब दे GST डिपार्टमेंट तो। जदों एक बारी पिछों असी साडे व्यापारियों ने जिन्हों तो असी माल मंगवाने पिछे एक बारी उन्होंने GST पे करता, उहदा रिकॉर्ड जिहड़ा है वह सरकार को जदे पहुँच जाता है, क्योंकि ई बिलिंग जां ई इनवॉइस होंदी है। जदों माल साडे कोल द्वारा मंडी आ जांदा है वह तां मंडी गोबिंदगढ़ आ के इत्थों दा डिपार्टमेंट गड्डी नूं पकड़े कहिंदा वी इह तुहाडी गड्डी गलत है जी, इह तुहाडा व्यापारी गलत है, इहने टैक्स नहीं भरिया। मैं सरकार तो यह मंग करना चाहना, पंजाब सरकार तो खास करके, क्योंकि मंडी गोबिंदगढ़ दे विच कल्ले मंडी गोबिंदगढ़ पंजाब दे विच स्क्रैप पैदा नहीं होंदी वी, जिहड़ी मंडी गोबिंदगढ़ पहुँचती है 5-5, 6-6, 10-10 स्टेटां तों स्क्रैप मंडी गोबिंदगढ़ पहुँचती है, उत्थे भी डिपार्टमेंट है, उत्थे दे डिपार्टमेंट उन्हां शहरां चों बड़े बड़े शहरों गड्डियां निकल के आउंदियां ने, उत्थे डिपार्टमेंट गड्डियां चैक करते हैं, लेकिन उन्होंने कदे डिमांड नहीं की अज तक कि ये थोड़ी गड्डी जिहड़ी है ये गलत है, व्यापारी ने टैक्स नहीं भरिया। जदों मंडी गोबिंदगढ़ गड्डी पहुँच जाती है तो इत्थों दा डिपार्टमेंट पकड़ के गड्डियां नूं, खास करके मोबाइल विंग जिहड़ा पंजाब दा मोबाइल विंग है, गड्डियां नूं पकड़ के कहिंदा है भी ये गड्डी है जिहड़ी इहने पिछे टैक्स नहीं भरिया जी, ये गड्डी दा जिहड़ा टैक्स चोरी होया वै, तुसीं इस ते पेनल्टी भरो जी। असीं व्यापारी बंदे इन्ने कु परेशान हो चुके हैं 2-3 साल तों, क्योंकि पहले साल तो सानूं GST समझ नहीं आया भी GST है की है, खुश हो गए सारे, बड़े खुश होए भी चलो वधिया हो गया, एक बारी काम निबड़ गया सारा, दुबारा दुबारा टैक्स देने की लोड़ नहीं। लेकिन हुण सानूं पता लगता है भी एक बार तो टैक्स भरता सी, पंजाब दा मोबाइल विंग साडा दुबारा फिर टैक्स मंग रहा, तो असीं इन्हां चीज़ों तों दुखी हो के अज साडे सारे ट्रेडर भरावां ने यह फैसला कर लिया कि जदों तक सरकार इस चीज़ का हल नहीं कढ़ूगी असी अपना काम बंद करके नाल दीयां स्टेटां चले जावांगे, क्योंकि उत्थे कोई अफसरशाही तंग नहीं करती, ये खास करके पंजाब दे विच ही है। मैं साडी सरकार आम आदमी पार्टी सरकार साडे पंजाब दे CM सरदार भगवंत सिंह मान जी तो यह उम्मीद रखना, क्योंकि उन्हां दे विचार भी बहुत वधिया ने, उन्हां दी सोच भी बहुत अच्छी है, बहुत उच्ची सोच है, क्योंकि वह भी चाहते ने पंजाब नूं मैं दुबारा फिर रंगला पंजाब बनावा। मैं मान साहब तो यह एक उम्मीद करदा, मान साहब इदा रंगला पंजाब नहीं बन सकता जिदा पंजाब दे विच मोबाइल विंग खास करके GST डिपार्टमेंट वाले ने व्यापारियों नूं तंग किया होया, व्यापारियों नूं गलां तों फड़ के मरन लई मजबूर किया होया। साडी एसोसीएशन साथ मंडी गोबिंदगढ़ की फरनस स्टील सिटी फरनस एसोसीएशन, व्यापारी वर्ग लुधियाने तो फरनस एसोसीएशन, स्क्रैप एसोसीएशन, होर जिन्ने भी व्यापारी वर्ग है साढ़े नाल सारे खड़े ने। देखो एक साड़ी हो सकता कल या परसों एक मीटिंग है, उस तो बाद साड़ी फिर एक मीटिंग करांगे, और सोमवार तो असीं पक्का ही स्ट्राइक पर जा रहे हैं, क्योंकि जिन्हां भरावां दा माल रस्ते च अजे है गड्डियां रस्ते जा रहीयां ने, असीं इह भी नहीं चाहते कि गड्डियां वाले कहनूं परेशान होण, सानूं आके गालां कढ़न जां साडे नाल बदतमीजी करन जां किसी भरा दा मेरे दा नुकसान होवे, भी सोमवार तक सानूं टाइम देता भी अपनी जिहड़ियां गड्डियां ने मंगवाओ ते खाली कराओ। कोई भी माल नहीं मंगाऊगा, 1-20 किलो माल नहीं परचेज करूगा, तो असी कोशिश कर रहे हैं अपनी यही हुणी तो असी नाल दीयां स्टेटां जिवें साडे नाल हिमाचल है, UP है, उत्तराखंड है, असी अपना उत्थों दी अपनी जिहड़ी असी स्टडी शुरू करती भी सानूं उत्थे व्यापार जाके कित्थे करना चाहिए, क्योंकि पंजाब हुण व्यापार करन दे लायक नहीं रहा। पंजाब दे विच व्यापार करना अपने आप नूं मौत नूं सद्दा देना हो गया। इन्हां चीज़ों तो सारे दुखी हो गए। असी हुण प्लानिंग दी इह जिहड़ी स्कीम बनाई भी है भी असी नाल दी स्टेटां जाके कम करिए, इत्थे क्यों तिल तिल मरीए। स्क्रैप ट्रेड एसोसीएशन विद फरनस एसोसीएशन असी लोग स्ट्राइक की जाने की उम्मीद है, असी लोग परेशान हैं GST डिपार्टमेंट तो। पंजाब दे विच ना असी लोग देख रहे हैं मेडिसन का काम हुंदा है, दवाइयां का काम हो गया, मार्बल का काम हो गया, करियाने का काम हो गया, और कपड़े का काम इन्ना ज़्यादा है कि तुसी पुछो ना, लेकिन GST डिपार्टमेंट नूं एक सॉफ्ट कॉर्नर मिलिया होया लोहा, और लोहे ते इन्ना अटैक करते हैं क्योंकि इस ते जुर्माना ला के उन्हें परेशान करना। इन्हों होर कोई ट्रेड करियाने का ट्रेड, मार्बल का ट्रेड या फिर दवाइया का ट्रेड कोई नज़र नहीं आता, ना ही अज तक तुसी इन्हां दे पिछले 6 महीने के रिकॉर्ड चेक के देख लो इन्होंने किसी भी करियाने वाले ते किसी मेडिसिन वाले ते कोई कार्रवाई की होवे। इन्हों का एको ही टारगेट है कि सिर्फ और सिर्फ लोहा
लोहा नगरी मंडी गोविंदगढ़ की अच्छी तैसी फेरी जाए। इस रिगार्डिंग असी लोग बहुत परेशान हैं। परेशानी का हल ये है, तुम अदर स्टेट चले जाओ, हिमाचल वाले कह रहे साढ़े इतने इंडस्ट्री ला लो, वो अपने व्यापारियों को कुछ नहीं कहते, वह बल्कि सुविधा दे रहे हैं उन्होंने। उत्तराखंड चले जाओ, वो सुविधावान दे रहे हैं कि साढ़े को आओ, सस्ती जमीन दे रहे हैं, सस्ती बिजली दे रहे हैं, फंड वो दे रहे हैं कि साढ़े को आओ। इतने जी पंजाब सरकार है ये बाजार में तैयार हुई है, सरकार की पॉलिसी अच्छी है, इनवैसट पंजाब के अंदर वो लोगों बहरों लैके आ रही है, लेकिन जी अफसरशाही है वो खराब कर रही है। ब्यूरोक्रेट्स जोड़े ने ना वो सही जानकारी अगे नहीं पहुँचाते ने। व्यापारी चोर दसया जाता है, चोर साबित किया जाता है, एक गड्डी ईवेबिल करके आई है, प्रावधान है GST एक्ट के कि जिदे को GST एक्ट के जिद को ईवे बिल हैगा है, जिद को डॉक्यूमेंट्स पूरे उन्होंने तंग ना किया जाए, लेकिन ये लोगों परेशान करते हैं। पिछली पार्टी के प्रजेजा मंगा मंगा के वो GST वो कहता मैं पंजाब आना ही नहीं है, मैं कितने मर्जी माल बेच लूँगा लेकिन पंजाब नहीं आऊँगा गलती नाल भी। मेरा अधिकारियों सरकार नू अपील है कि सानू राहत दी जाए, सानू परेशान ना किया जाए, असी अपने काम ढंग नाल कर सकीए। थैंक्स। मंडी गोविंदगढ़ तो पत्रकार परमजीत सिंह धीमान की खास रिपोर्ट।